हेलो दोस्तों, एक बार फिर से न्यू वीडियो में स्वागत है। दोस्तों आज हम एक ऐसे स्टॉकों पर डिस्कस करने वाले हैं जिसमें 7% के अप्रोक्स में आज की ट्रेडिंग सेशन में हमें रैली देखने को मिला है। और दोस्तों पिछले हफ्ते भी जब स्टॉक के प्राइस में ओनली 1100 रुपये के आसपास में ट्रेड करते हुए देखने को मिला था, वहां पर भी हमने वीडियो बनाकर डिस्कस किया था दोस्तों इस स्टॉक में हमें खरीदारी करना चाहिए, फ्यूचर में इसका प्राइस यहाँ से काफ़ी आगे जाते हुए देखने को मिल सकता है। और दोस्तों जब स्टॉक की प्राइस में ओनली 400 के अप्रोक्स में ट्रेड करते हुए देखने को मिला था, वहां से आप लोगों को वीडियो बनाकर डिस्कस किया था इस स्टॉक में हमें खरीदारी करना चाहिए। और अभी तक इस स्टॉक ने बहुत स्ट्रॉन्ग तरीके से हमें मुनाफा देखने को मिला है और आगे भी इसमें काफी अच्छा खासा हमें रैली देखने को मिलेगा। तो अभी तक जिसने भी हमारे वीडियो को फॉलो किया होगा उसको काफी स्ट्रॉन्ग तरीके से इस स्टॉक ने अभी तक मुनाफा दिया है और आगे भी इसमें काफी अच्छा खासा रैली देखने को मिल सकता है। तो चलिए इस स्टॉक से रिलेटेड हम सारे इन्फॉर्मेशन एक बार देखेंगे। तो दोस्तों वीडियो से पहले एक बार रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि प्लीज मेरे यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि मेरे जो भी वीडियो आएगा नेक्स्ट उसका नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल जाएगा। तो दोस्तों यहां पे देख सकते हो आज की ट्रेडिंग सेशन में यहां पे हमें 6-7% का हमें रैली देखने को मिला है जो कि अपने आप में काफी स्ट्रॉन्ग है। वही हम बात करेंगे पिछली 1 मंथ का इसका प्राइस ग्राफ का। तो यहां पे देख सकते हो बहुत स्ट्रॉन्ग तरीके से यहां पे हमें मुनाफा देखने को मिल रहा है। वही हम बात करेंगे पिछले 6 मंथ का इसका प्राइस ग्राफ का। तो यहाँ पे 26% से एबव का हमें काफी स्ट्रॉन्ग तरीके से यहाँ पे हमें रैली देखने को मिल रहा है। और दोस्तों बात करेंगे यहाँ पे पिछले 1 साल का इसका प्राइस ग्राफ का, तो यहाँ पे 100% के अप्रोक्स में हमें यहाँ पे मुनाफा देखने को मिल रहा है जो कि अपने आप में काफी स्ट्रॉन्ग है। और फ्यूचर में दोस्तों इसका प्राइस हमें यहाँ पे 2000 के भी क्रॉस करके हमें आगे जाते हुए देखने को मिल सकता है। हालांकि इसके लिए थोड़ा सा पेशेंस चाहिए, हमें यहाँ पे अभी तक काफी स्ट्रॉन्ग तरीके से मुनाफा देखने को मिला है। और दोस्तों बात करेंगे यहाँ पे पिछले 5 ईयर का इसका प्राइस ग्राफ का, तो यहाँ पे एवरी ईयर पिछले 5 ईयर में इस स्टॉक ने 100% से एबव का मुनाफा दिया है जो कि आप लोग के सामने में है। और दोस्तों बात करेंगे सबसे अधिक दिनों का इसका प्राइस ग्राफ का, तो यहाँ पे देख सकते हो बहुत स्ट्रॉन्ग तरीके से हमें यहाँ पे मुनाफा देखने को मिल रहा है। और इसका प्राइस का ग्राफ भी देख सकते हो कितना स्ट्रॉन्ग तरीके से यहाँ पे हमें देखने को मिल रहा है। और दोस्तों फ्यूचर में इसका प्राइस हमें यहाँ पे 2000 के भी क्रॉस करके आगे जाते हुए देखने को मिल सकता है। आप लोग इसके ऊपर फोकस बनाकर रख सकते हो, स्टॉक अभी तक हमें बहुत स्ट्रॉन्ग तरीके से मुनाफा दिया है। तो दोस्तों यहाँ पे मैं आप लोग से डिस्कस कर रहा हूँ यहाँ पे KEI इंडस्ट्री लिमिटेड की रिगार्डिंग। स्टॉक अभी तक जैकपॉट साबित हुआ है और आगे भी इसमें काफी अच्छा खासा हमें रैली देखने को मिलेगा। यहाँ पे देख सकते हो आज के ट्रेडिंग सेशन में काफी स्ट्रॉन्ग तरीके से यहाँ पे हमें खरीदारी होती हुई देखने को मिल रहा है 46% से एबव का, जो कि दोस्तों ए इंडिकेट कर रहा है कि आने वाले ट्रेडिंग सेशन में भी काफी अच्छा खासा हमें रैली देखने को मिलेगा। तो दोस्तों यहाँ पे हम आप लोग से डिस्कस करेंगे इसका 52 वीक लो एंड हाई का। तो स्टॉक ओनली 700 रुपए के आसपास में हमें ट्रेड करते हुए देखने को मिला था पिछले साल अगस्त में, वहां से इस स्टॉक ने ऑलरेडी यहाँ पे हमें काफी स्ट्रॉन्ग तरीके से यहाँ पे हाई देखने को मिल रहा है जो कि आप लोग के सामने में है। और दोस्तों बात करेंगे इसका फेस वैल्यू का, तो यहाँ पे हमें 2 रुपए देखने को मिल रहा है। जो कि बात करेंगे इसका क्वार्टर का रिजल्ट का दोस्तों, तो यहाँ पे देख सकते हो क्वार्टर फर्स्ट का यहाँ पे रिजल्ट अपडेट है और काफी स्ट्रॉन्ग तरीके से यहाँ पे हमें क्वार्टर फर्स्ट का रिजल्ट भी हमें यहाँ पे देखने को मिल रहा है, जिसके वजह से इस स्टॉक में अच्छा खासा हमें रैली देखने को मिला है। और दोस्तों यहाँ पे देख सकते हो इस स्टॉक में प्रमोटर का होल्डिंग हमें यहाँ पे 38% से एबव का देखने को मिल रहा है जो कि अपने आप में काफी अच्छा खासा है। और दोस्तों बात करेंगे डिविडेंड का, तो यहाँ पे इस साल कंपनी ने अभी तक एक बार इंटरिम डिविडेंड दिया है जो कि ये भी अपने आप में काफी अच्छा खासा है। और दोस्तों बात करेंगे क्या प्रमोटर का शेयर कोई प्लेस भी है, तो यहाँ पे हमें कोई प्रमोटर का शेयर दोस्तों यहाँ पे प्लेस हमें नहीं देखने को मिल रहा है। स्टॉक अपने आप में जैकपॉट है, आप लोग इसके ऊपर फोकस बनाकर रख सकते हो, फ्यूचर में इसका प्राइस यहां से काफी आगे जाती हुई हमें देखने मिलेगा। हालांकि अभी तक जिसने भी हमारे वीडियो को फॉलो किया होगा उसको बहुत स्ट्रॉन्ग तरीके से इस स्टॉक ने मुनाफा दिया है। हालांकि बात करेंगे दोस्तों रिजर्वेशन सरप्लस का, तो यहां पर देख सकते हो रिजर्वेशन सरप्लस का फिगर भी अपने आप में काफी स्ट्रॉन्ग है और पिछले साल के अकॉर्डिंग इस साल काफी इंक्रीमेंट के साथ में यहां पर हमें रिजर्वेशन सरप्लस का फिगर देखने को मिला है। और दोस्तों बात करेंगे लॉन्ग टर्म ब्रोइंग का, तो यहाँ पे बिल्कुल 0 फिगर है। जो कि हम बात करेंगे शॉर्ट टर्म ब्रोइंग का दोस्तों, तो यहाँ पे थोड़ा बहुत हमें डेप्ट का फिगर देखने को मिल रहा है। हालांकि बात करेंगे फिक्स एसेट का, तो फिक्स एसेट का फिगर भी अपने आप में काफी स्ट्रॉन्ग तरीके से यहाँ पे हमें देखने को मिल रहा है।
तो स्टॉक काफी अच्छा खासा है, आप लोग इसके ऊपर फोकस बनाकर रख सकते हो। हालांकि जब इस स्टॉक में अच्छा खासा हमें गिरावट देखने मिल रहा था, वहां पर भी हमने वीडियो बनाकर डिस्कस किया था इस स्टॉक में हमें खरीदारी करना चाहिए, फ्यूचर में इसका प्राइस यहां से काफी आगे जाते हुए देखने मिलेगा। और जिसने भी हमारे वीडियो को फॉलो किया होगा उसको काफी स्ट्रॉन्ग तरीके से इस स्टॉक ने अभी तक मुनाफा दिया है और आगे भी इसमें काफी अच्छा खासा हमें रैली देखने को मिल सकता है। हालांकि बात करेंगे दोस्तों इस स्टॉक का मार्केट कैपिटलाइजेशन का, तो यहाँ पे दोस्तों हमें यानी कि 12,500 के अप्रोक्सिमेट फिगर देखने मिल रहा है, जो कि हम बात करेंगे सेक्टर के पीएसयू का दोस्तों, तो यहाँ पे 41 के अप्रोक्सिमेट में देखने मिल रहा है, जो कि सेक्टर के पीएसयू से इस स्टॉक का पीएसयू काफी निचले स्तर पे है, यानी कि इसका जो प्राइस है वो भी हमें काफी अट्रैक्टिव फिलहाल हमें देखने को मिल रहा है। और दोस्तों यहाँ पे देख सकते हो इसका रेवेन्यू ग्राफ भी अपने आप में हमें यहाँ पे काफी अच्छा खासा देखने को मिल रहा है। तो दोस्तों यहाँ पे देख सकते हो रेवेन्यू का ग्राफ भी अपने आप में काफी स्ट्रॉन्ग है। हालांकि बात करेंगे यहाँ पे प्रॉफिट के रिगार्डिंग, तो यहाँ पे हमें प्रॉफिट का ग्राफ भी काफी अच्छा खासा देखने को मिल रहा है और पिछले 5 ईयर का यहाँ पे ग्राफ है, एवरी ईयर कंपनी काफी स्ट्रॉन्ग तरीके से यहाँ पे प्रॉफिट शो किया है। हालांकि बात करेंगे क्वार्टर फर्स्ट में यहाँ पे कंपनी ने कितना सेल्स का फिगर शो किया है, तो ये भी फिगर आप लोगों के सामने में जबरदस्त तरीके से हमें यहाँ पे सेल्स का फिगर देखने को मिल रहा है। हालांकि बात करेंगे दोस्तों इस स्टॉक में एफआई की होल्डिंग का, डीआई की होल्डिंग का, उससे पहले हम बात करेंगे प्रमोटर का, तो यहाँ पे हमें प्रमोटर का होल्डिंग भी 38% के अप्रोक्सिमेट देखने को मिल रहा है, जो कि एफआई की होल्डिंग यहाँ पे काफी स्ट्रॉन्ग है। और दोस्तों यहाँ पे डीआई की होल्डिंग भी काफी अधिक देखने को मिल रहा है, जो कि रिटेल इन्वेस्टर की बात करेंगे तो यहाँ पे 16% के अप्रोक्सिमेट हमें देखने को मिल रहा है। तो शेयर होल्डर पैटर्न भी अपने आप में काफी अच्छा खासा है, आप लोग इसके ऊपर फोकस बनाकर रख सकते हो, फ्यूचर में इसका प्राइस यहां से काफी आगे जाते हुए हमें देखने को मिल सकता है। तो दोस्तों बात करेंगे अगर यहां से इस स्टॉक में थोड़ा बहुत हमें गिरावट देखने को मिलता है तो इसका प्राइस हमें 1180 के अप्रोक्सिमेट आते हुए देखने को मिलेगा। अदरवाइज दोस्तों फ्यूचर में इसका प्राइस हमें यहां से काफी आगे जाते हुए देखने को मिल सकता है और यहाँ पे 2000 के भी क्रॉस करके हमें आगे जाते हुए देखने मिल सकता है, लेकिन इसके लिए थोड़ा सा पेशेंस चाहिए। तो दोस्तों उम्मीद करते हो वीडियो अच्छा लगा है, अच्छा लगा तो प्लीज मेरे यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि मेरे जो भी वीडियो आएगा उसका नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल जाएगा। ओके दोस्तों, थैंक यू, बाय।